كان وده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن يتخذ الله سبيلا إن ربك يعلم أنك تخاف من نفسك ذلك فإن يسفصل فما الطائف من الله ذي معك والله يقمع के साथ में आग लगा उसके अंदर से जकड़ के अल्लाह काट लू क्या दो टुकड़े करू काट के लू सब जकड़ो उसको तेजी के साथ में पंगे की स्पीड कम अल्लाह हाँ लगा पूरी ताकत लगा जोर से अल्लाह और जोर से अल्लाह क्या करने का था मार देने का था अब हाँ अल्लाह क्या करने का था तड़पा तड़पा के मारने का था अल्लाह ये हाथा पैरों की ताकत कौन खींच ले रहा था ये माजूर कौन कर रहा था तुझ कर रहा था अंदर बैठ के अल्लाह और जोर से कितने बार हाजिर हुआ घर पे अल्लाह तुम बीमारी बीमारी समझ रहे थे तुम लोग यांग में बैठा ली थी दवा बिठा के मारने को करे था अरे कहाँ से पकड़े थे तुझे शमशान से कब्रस्तान से क्या करने का नामा पूछाने का अल्लाह जाते फिर नामा पूछाने का अल्लाह हाँ और जोर से काट लूंगा वो दोनों हाथ आते जिक साथ में झगड़ा उसको नालायक को ये पकड़ो अल्लाह और उठ के खड़े रहो एक जना इधर से एक जना इधर से कुर्सी को सपोर्ट अल्लाह अल्लाह झगड़ो और तेज के साथ अल्लाह 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 हाँ लगा पूरी ताकत लगा तो अभी काट के खत्म कर दूंगा बोल जोर से बोल बटन दो नीचे बटन दो कुर्सी हटा दो अल्लाह पीछे से सपोर्ट देके रखो हाँ बोल रहे कम बहुत ना अभी काट के पूरा जला दूंगा अल्लाह हाँ कहाँ से पकड़े अल्लाह कहाँ से शमशान कब्रिस्तान अल्लाह कौन है रे तू कौन है कौन है एक गौर से देख कौन है झगड़ो उसको नाला तू कौन है देख कौन है दोस्त पहचान अरे अल्लाह क्यों तड़पा रहा रे छोड़ दे मैं तुझे अपना हाथ से बसम कर दूंगा अरे अल्लाह रे तू लोगों को तड़पा रहा अल्लाह जा कर रहा पैरा भारत कर दिया उनके अम्मा सब मारने का था उनको क्या नाम है उनका आजाबी को कब मारने का था कब मारने का था अम्मा से कुंडम में छोड़ दो मुझे अल्लाह अल्लाह कब मारने का था खाजा जी को अल्लाह अल्लाह जी जाओ बाहर से और फौज में और उसको झगड़ा चलो तेज के साथ में खोल के पकड़ो बुलाओ बाहर से फौज को उसको जंजीर ले के आओ जंजीर वाला बंद करो उसको काट के खत्म करेंगे नारा को अल्लाह जल्दी नाम बता अल्लाह जल्दी बता नहीं छोड़ता हूँ तुझे अल्लाह अल्लाह लड़कों की अम्मा तेरे बहु मर्जी लोगों को करके मेरे को अरे अल्लाह रे मार के भस्म कर दूंगा पूरा जल्दी बता अल्लाह अल्लाह रे ये सब अंगूठियां मालियां चूड़ियां पिलाने अल्लाह
अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह अभी को कब मारने का था? मार दियो मार दो मार दियो मार दियो मार दियो ऐसा बोले मार दियो कब अम्मा मार दियो अम्मा कौन सी पूनम में नहीं मालूम अम्मा में पूनम में पूनम में पूनम में मारने का है अच्छा बोले कौन है वो खाजा भी के ससुराल के लोग आए मायके के लोग आए वो कौन है इसके घर के जय मेरे मेरे घर के जय घर के जो लोग आए वो कौन है वो नाम 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 नहीं बोलती नहीं बोलती नहीं बोलती नाम नहीं बोलती नहीं बोलती नाम नहीं बोलती नाम नहीं बोलती नाम नहीं बोलती नाम नहीं बोलती अल्लाह 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 नाम नहीं बोलती लंबी पूरी है दुबली पतली है मेरे को लाख रोटी भी दे दिए बैगन भी दे दिए आप रखो निकल जाती हूँ जा रही हूँ मैं जाती हूँ अल्लाह 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 अरे अल्लाह मैं जाती हूँ नहीं करती मैं जाती हूँ नहीं करती नहीं करती नहीं करती अरे अल्लाह अरे अल्लाह अरे अल्लाह अल्लाह कौन है इसका नाम 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 तू जादू करी इस पे खाजा भी पे जादू करी करी गाय के अंदर मिला के खिलाई अंडे के अंदर कब खिलाई कितना टाइम हो रहा खिला के बाहर से जंजीरा वालों को तेज आदमी को जंजीर डाल के जकड़ लो अम्मा कौन है तू इसके खाजा पी के अम्मा कौन है चलती पड़ता है सीधा बिठावा कौन है खाजा पी की तो नाम नाम तेरा नाम नाम बोल तेरा नाम बोल तो छोड़ दो तुझे पूरा जला देता हूँ जल्दी बोल गोरे है क्या काले है अरे चल चुप बैठो जी हाँ नाम बोल जल्दी कौन है तू नाम बोल हाँ कौन है कौन बी है हाँ बी है जोर से बी है इतना नाम नहीं रहता पूरा नाम बोल पूरा जला दूंगा मैं तेरी पूरी शक्ति जला के रखा बी है बी है पूरा 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 नाम नहीं पूरा नाम ये छे कई को दुश्मनी ले रही छे क्या दुश्मनी है अब्बा जला दे तो पूरा जल्दी पकड़ो उसको अरे रे 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 अल्लाह जल्दी बोल अरे अल्लाह रे जल्दी बोल नाम को हां नक को मैं जा रही हूं मैं जा रही हूं नक को वैसा नहीं जान देता मैं नाम बोल बी है नाम बी इतना नाम है खाली बी है हां बी है और उसके साथ कौन मिला ले कोई भी नहीं वही छो पर कुछ कर रही क्या दुश्मनी से कर रही तू मार देने का ही बड़ी बीकू खाजा बीकू मार देने का अच्छा मार के सब कब्जा कर लेने का चल तो बा कर अब तेरा सारा जला के राख कर तो कर जल्दी खाजा बीकू कब मारने का था अम्मा से पूनम में मौका देख के मारने का था कि टाइम है अभी अच्छा मार देने का मगर फाइनल क्या करके मारने का बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके जल्दी एक्सीडेंट करा के क्या बीमारी डाल के दोनों अच्छा ये पैरा तूने खींची जादू से जकड़ लो उसको तेज साथ में जला के राख कराओ उसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया पानी पिलाऊंगा कैमरा मंत्र मार ये पेशेंट जो है तो इनके पैर कमर के पास से चले गए इनको चलने नहीं आ रहा था इनको बैठने भी नहीं आ रहा बोल के उनको कुर्सी पे बिठाए थे तो उन्होंने तो दवा गोलियां कर रहे थे उनके घर पे कभी हाजिर नहीं हुआ फर्स्ट टाइम यहाँ लाए फर्स्ट टाइम हाजिर हुआ फर्स्ट टाइम सवाल जवाब हो गए कितनी बार आए यहाँ पे फर्स्ट बार हाँ पहली बार ही लेके आए उनको पहली बार में जी हाजिर होगा सब इससे पहले उनके घर पे हाजिर हुआ क्या कभी नहीं घर पे उन्होंने कहीं भी दुआ पानी भी करे क्या भी करे कुछ भी करे तो कहीं हाजिर नहीं हुआ कुछ नहीं दवा गोलियां भी खिला रहे तो कुछ नहीं हो रहा था क्या नहीं यहाँ लाते चल्ला फिर उनसे हाजिर होगा सामने ला लिए पूछा दिए क्या दास्तान चल रही सब सामने ला लिए मुद्दत बने आ लिए देखो दुनिया वालों की मुद्दत क्या रहती है और हर चीज के अलग अलग वार होते और हर चीज में तुम्हारे अलग अलग जादू टोनों में जकड़ के उस बीमारियों में तुमको मुब्तला करके खत्म कर देते हलाक कर देते किसी को कैंसर की बीमारी डाल देते किसी को फालिश की डाल देते किसी को और कौन सी किसी को तरह तरह के जादू टोने तरीके के वार है अजीब गरीब वार है अब इनको जो वार मारे वाले है इनको जो मुद्दत बने वाली है तो इनके कमर के नीचे से पौवा पूरे घमा के इनको पूरे कमजोर करा के गला के खत्म करने के वास्ते
से वार कर रहे थे। मैं तो मेरे जबानी ने बोला, मैंने सामने पकड़ के ला के अल्लाह के कलाम की ताकत से तुम्हारा को बताया कि कलाम इलाही की ताकत क्या है और अल्लाह के कलाम की ताकत तुम अपने आंखों से सामने प्रैक्टिकल में देखे तुमने। और जादू टोने की भी दास्तान ऐसी रहती कि तुम जो मुद्दत जो बांधना बोलते ना, तो मुद्दत ऐसी बांधते किसी किसी की कि बीमारी बदल देते कि उसको फला फला बीमारी कैंसर या एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी फालिश दम्मा लखवा एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी के अंदर मुबतला कर देते और वो बीमारी उसको हटती नहीं हटती नहीं हटती नहीं बार बार नहीं हटती नहीं, गोली दवा खाने के बाद भी नहीं हट रही, तो समझ जाना कि जादू टोने के बारे में वो हटती नहीं और बाद में गला गला के एंड टाइम में मार के साथ में लेके चले जाते और उनको टाइम दिया करता है अमावस में मारो पूनम में मारो चांद ग्रहण में मारो या शनिचर के दिन मारो या मंगल के दिन मारो, सर टाइम दिया करता बलाओं को बराबर उन्हें उस हिसाब से मारते। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं मानते ऐसे बातों को ऐसा नहीं रहता, तो देख लो ना अपने सामने देखो साइंस मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया कि बहुत आगे बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। दिल निकाल के दिल डालते, दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग डालते, सर्जरी करके इतना आगे बढ़ा, लेकिन जादू टोने का उन्होंने कर सकते इलाज उनको नहीं आता, कैसा आएगा उनको? तुम डॉक्टर को जाके बोलेंगे शादी हमारी शादी में बाबरची की जरूरत है तो जरा तुम आके खाना बना दो, मैं बना सकता क्या? उन्हें नहीं बनाता, उसकी ड्यूटी नहीं, उसकी ड्यूटी है उसकी प्रैक्टिस है और उन्हें उस चीज के अंदर स्पेशलिस्ट है कि तुम्हारे बॉडी का कहीं पार्ट डैमेज होगा तो उसको उन्हें राइट कर सकता। बाबरची का काम है कि खाना बनाना, इंजीनियर का काम है जो भी फील्ड का इंजीनियर हो जो भी फील्ड रहेंगी उसकी कंस्ट्रक्शन वाला इलेक्ट्रिशियन वाला एक्स वाई जेड उन्हें उसके फील्ड में माहिर रहता, तो तुम जिसके पास जाएंगे उसका ही तुम्हारा को हल मिलेगा। तुम बोलेंगे इंजीनियर के पास जाके बोलेंगे चल मियां हमारे शादी में खाना बना के दे, तो बबरची तो बोलेंगे मेरे को कहां से आएगा मेरा नहीं आता, और बबरची को जाके बोलेंगे चल मियां कंस्ट्रक्शन का नक्शा डाल के दे हमारे तो कहां से डालेंगा उन्हें। तो ऐसे सब हर कोई चीज का एक माहिर रहता, अल्लाह ने रखा वहां जाना पड़ता। और अमल अमलियात ये जादू टोने ये जो वबाएं ये जो खेला कर रहे ये बहुत गलत बातें हैं, बहुत गलत दास्तानें, एक दूसरे के ऊपर हरकतें मत करो। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, अगर तुम पे आजाब आ जाएगा तो तुम कहां बच के भागेंगे। और ये बात याद रखना कि तुम अगर दूसरों के घर गर्म पानी जला रहे जादू टोने करके तुम्हारा तो घर जलेगा ना फिर भाप से उसके, इसलिए ये बात भी याद रखना। तो अगर हटाने वाला ओरिजिनल मिल गया और हटाने वाले ओरिजिनल के पास आ गए ना तो बरोबर पहुंचा देता तुम्हारे वार तुम्हारे तरफ, और तुम्हारे वार तुम्हारे ऊपर पलटे तो तुमको वबाओं में घेर लेते, तुम्हारे खून के अंदर कैंसर कर देते। अभी एक पेशेंट के वार मैंने पलटाया तो उनके तरफ से जवाब आया, मेरे उसमें पूरा चैटिंग है व्हाट्सएप पे, कि जो जिसके भी वार मैंने तो ऐसे थोड़ी बोल के करा कि उसको बीमारी हो जाना उन्हें मर जाना, कुछ नहीं, जिसने चैलेंज करा था उस पे जादू कर रहा उसका वार उस पे पलटा दिया, जो चैलेंज करते फिर रही थी जादू करने उसको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट आ गई, उसके कैंसर में खून उसके खून में कैंसर होगा बोल के। अब उन्हें जिंदगी भर जाके खयामत तक भी कहीं तक भी जाके इलाज कर लेंगी तो यकीनन कोई दवा गोली उसका कैंसर राइट नहीं कर सकता, यहाँ के मेरे सामने नाक रगड़ना पड़ेगा तो उसके बाद उसके कैंसर के सेल्स पलटना चाहूंगी जब तक नहीं पलटते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से मार उसको पलट के पड़ी ना, कई दास्तान में मार भी तो पड़ती ना, तुम अगर मनमाने करो तुम क्या सोच रहे तुम्हारे पे नहीं पलटती, पलट गई ना। एक वाकया था मेरे पास में जो आए मैं उनका तो नाम उजागर नहीं करूंगा, उनके बच्ची को लेके आए थे, उनकी बच्ची की शादी नहीं होने दे रहे थे, एक पेशेंट थे बाहर गांव से आए वाले, तो उनके बच्ची की शादी नहीं होने दे रही थी और जो नहीं होने दे रही थी उन्हें घर पे आके सब बोल के गई चैलेंज करके कि तेरी बच्ची की खूबसूरती मिटा दूंगी और उसकी शादी नहीं होगी, और उन्हें यकीनन वो लड़की की शादी नहीं होगी उसकी इतनी उम्र होने के बाद भी, और उसको ढोल के जैसा बना दी उसकी सारी खूबसूरती बर्बाद कर दी उसकी, इतनी ऊंची तगड़ी बच्ची थी और बाद में चैलेंज आकर करके जा रही इसकी नहीं होगी। जब मेरे पास आया इलाज हुआ मैंने पूरा वार पलटा दिया, मैं तो ईमानदारी से पलटा दिया, मैंने थोड़ी तो कुछ तुम्हारे पास आपने डालने का करा, तुम्हारे अमाल ने तुम्हारे पास आपने घेर लिया ना, वार पलट के गए उसकी रिपोर्ट में आ गया ब्लड कैंसर हो गया बोल के। अब खयामत तक भी तू फिर ब्लड कैंसर का इलाज करते हुए तुझे कोई राइट नहीं कर सकता, तुझे यहाँ के नाक रगड़ना पड़ेगा, मेरे सामने माफी मांगना पड़ेगा जब मेरी फौज पीछे हटेंगे, जब तेरे को माफी मिलेंगे, जब तक नहीं मिलते खयामत तक तेरह ऐसे राज रहते दास्तान रहते, इसलिए तुम अगर ऐसे करेंगे और मैं हटा दूंगा फिर तुम्हारे वार तुम्हारे पे पलट के पड़ेंगे, तुम्हारे पे पलट के पड़े तुम बीमारियों में वबाओं में परेशानियों में आफतों में गिर जाते। अब हर किसी को तो कैंसर होना जरूरी है, किसी को पंखा सिर में गिर के मार देता, किसी घर में आग लग जाती, किसी को तबाही बर्बादी हो जाती, किसी कंपनी जीरो में चली जाती, किसी के शेयर से गिर जाते, तो ऐसे हो तो तुम मार पड़ते ही। अमल अमलियात की दास्तान है, जादू टोने तुम कर रहे ठीक है, मगर तुमको ये नहीं मालूम कि जब पलट के पड़ते हो तो फिर तुम्हारे बहुत बुरे भागने को भी रस्ते नहीं मिलते। सबसे पहले जादूगर को मार पड़ती जिसने जादू चलाया, उसके बाद जादूगर के पास कौन जाके जादू चला रहा था उसको मार पड़ती, सबको मार पड़ती, क्योंकि ये दुनिया के रूल्स है और तुमको ये दुनिया के रूल्स से तुम लोग वाकिफ नहीं है, मैं ये सारे वाकिफ हूँ। हाँ, जिन्होंने नई बातों को माने जादू टोनों के तो मर के खबरों में भी पड़े ना, बहुत सारे लोगों को मैंने सामने समझाया था दास्तान के फला फला तारीख को शैतान मारने वाला है, सामने लाके पूछाया तो भी लोगों ने नहीं माने, हम नहीं मानते, बाद में वो यकीनन मरे हो तारीखों पे,
कि हमारे ये थिंग आज कर रहे क्या है कि ये है क्या है कि ऐसा वैसा सुन के, तो बरोबर भलाई हमले करते बरोबर ये दास्तान है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। बार बार मैं ये बोलता कि तुम इबादत की रस्सियों को मजबूती से थामो, कितना रंगेज दौर चल रहा है, अल्लाह के सामने सजदे करके दुआ करो, अल्लाह के सामने सजदों में गिड़गिड़ा कर अपने दीन की हिफाजत मांगो अल्लाह से कि अल्लाह मेरे दीन की और मेरे ईमान की हिफाजत कर। अगर तुम्हारे ईमान की हिफाजत की दुआ नहीं करेंगे तुम तो यकीनन फिरकों में बढ़ जाएंगे, तुम्हारे पास जगह जगह कितना रंगेज बैठे वाले फिरके पसंद लोग जो तुम्हारे को ले जाएंगे और ले जाकर फिरके के अंदर भटका देंगे। अभी ऐसे ऐसे फिरके चल रहे हैं मैं बयान भी नहीं कर सकता, इसलिए अपने ईमान की अल्लाह से दुआ करके हिफाजत करो बोलना अल्लाह। ये छोड़ दो ये दास्तान है जादुआ करने जा रहे इधर जा रहे, अरे ये तो इतना बुरा आलम है, तुम तो इस्लाम से ही खारिज हो गए, ईमान ही नहीं तुम्हारे पास में, फिर तुम कहां से दुनिया आखिरत बनी तुम्हारी, तुम तो उल्टा सजदे में सर रख के अल्लाह से बोलना कि कितना रंगे दौर के अंदर हमारे दीन की हिफाजत हमारे ईमान की हिफाजत कर अल्लाह, हमारे घर में ईमान को महफूज रखा, हमारे बच्चों के हद तक हमारे घर के हद तक तो महफूज रहेगा तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बन जाएंगी। और इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, इबादत तुम्हारा ढाल बन के बचेंगे सब मामलों में, वरना किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कोई भी तुम्हारा हटाने के लिए नहीं बैठाला है, सब तुम्हारा लूट के खाने को बर्बाद करने को बैठाले, तुम जादूगरों के पास जाएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, घर को देंगे हलाक हो जाएंगे। अल्लाह वालों के दरों पे जाओ, बुजुर्गान दीन के पास में जाओ, अल्लाह ने फरमा दिया खुद्दूस इसमें पढ़ो तुम हदीसों के अंदर, हदीस खुद्दूसी पढ़ो, हदीस खुद्दूसी वो है जो अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस नबी भी वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है जरा देखो, अल्लाह फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि तुम अगर अल्लाह के वलियों के सोबत में एक लम्हा बैठेंगे तो तुम्हारे 60 साल इबादत करने का सवाब दिया देगा, और तुम अगर शैतान के जादूगरों के पास जाकर बैठे एक लम्हा तो तुम्हारी फिर 60 साल की इबादत रद्द भी कर दी जाएगी ना, उसका उलट भी पकड़ोगा तुम, अल्लाह के वलियों के सामने तुम बैठे एक लम्हा तो एक लम्हा तुम्हारे 60 साल की इबादत का सवाब दिया जा रहा, और तुम जादूगर के पास जाके एक लम्हा बैठ रहे तुम्हारी 60 साल की इबादत रद्द भी तो हो जाएगी ना, फिर वहां इन सब बातों पे अमल करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। तुम मजाक समझ रहे, तुम आखिरत को अल्लाह रसूल के बातों को हदीस कुरान के फरमानों को मजाक में लिए क्या, यकीनन तुम पे आजाब होगा, यकीनन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते कि तुम मजाक में भी अगर कोई दोस्त को या किसी को गाली दे रहे तो वो एक गाली तुम्हारे एक खबर का बिच्छू बन जाती है। तो अब तुम बताओ खाली एक मजाक में दिया गाली खबर का बिच्छू बन जाती तो हक मार देने से क्या होता होगा, किसी पे जादू करने से क्या होता होगा, किसी का घर जलाने से क्या होता होगा, किसी को तबाही बर्बादी करने डालने से क्या होता होगा, चुगलियां करने से क्या होता होगा, तो तुम्हारा सब बता दिया ना, इस वास्ते बेहतर है कि सबसे बाज आ जाओ, इबादत करो, ज्यादा नफसी नफसी मत करो, नफसी नफसी शैतान ने करा था तो आज क्या आलम हुआ, लानत का तौफ अपने गले में पिना दिया कयामत तक के वास्ते नहीं लामहदूद जिंदगी में, इसलिए बेहतर है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं मगर याद रखो अमल अमलियात और जादू टोना जब पलट के पड़ता ना तुम्हारे ऊपर, बताया ना अभी बुलेट कैंसर हो गया, उसे कैंसर हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती है, वबाएं गिर जाते हैं, किसी का पैर कट जाता, किसी का हाथ कट जाता। अब इससे पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, यही हिंगोली जिले के थे वो, हमारे पास बाजू के जिले में परभनी के हिंगोली के हिंदू के थे वो, तो उन्होंने पास में आया, इलाज स्टार्ट हुआ, जिसने उन पर जादू करा था जब मैंने उसका जादू उस पर पलटाया तो उसका अंगूठा सड़ गया पैर का, अंगूठा सड़ते सड़ते पूरा पंजा सड़ गया, पूरा पंजा सड़ने के बाद में फिर काट के फेंकना पड़ा डॉक्टरों को। अब डॉक्टर भी परेशान है कि ऐसा कैसा ये जख्म भर रहा क्यों नहीं, तो डॉक्टरों को बोलना वो जख्म कहां से भरेगा, वो जख्म रूहानियत का जख्म है, वो जख्म तुम्हारे ये जिस्म का नहीं है, ये जिस्म करेगा तो दवा गोली इस पर कार करेगी, रूहानियत के जख्म के ऊपर दवा गोली कार नहीं करती, फिर वहां रूहानियत के अमल लगते, और रूहानियत के अमल करने को अमल लाने को तुम्हारे पास में उतनी जबान उतनी ताकत कहाँ है, जो अल्लाह को राजी करके सब मुक्किलों की फौज और जिन्नातों की फौज तुम मंगाएंगे, और फरिश्तों की फौज से तो कोई नहीं लड़ सकता, इसलिए इबादत करो और अल्लाह से कहो कि हमारे पीछे फरिश्तों की फौज लगा मुकर्रर करा जो हमारी हिफाजत करेंगे, और यकीनन जहां फरिश्तों की फौज तुम्हारी हिफाजत करेंगी तो वहां पर तुम्हारे को कोई भी जहमत नहीं दे सकता, कौन लड़ सकता क्या फरिश्तों की फौज से, लड़के बताओ बोला शद्दाद लड़ने का तो क्या हुआ, नमरूद लड़ने का तो क्या हुआ, फिरौन लड़ने का था तो क्या आलम हुआ, देखे ना फिर वैसा आलम हो जाता, इसलिए कोई नहीं लड़ सकता अल्लाह से ना अल्लाह की फौज से, ये सब बहुत दूर की बातें हैं, तुमको क्या बयान करूं मैं, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे, डिस्ट्रिक्ट चलो खैर रोक दो।